Hi friends, in the last lesson we discussed assumptions of kinetic theory of gases and ideal gas equation. Now after interpretation of ideal gas equation, in this lesson we are going to solve a lot of varieties involving the application of ideal gas equation. And this topic or this lesson per se is very important for you from exam point of view, because NEET always asks at least one question from kinetic theory of gases every year, and that often comes from application of ideal gas equation only. So watch this video and share it to your friends if you like it. Thanks. Now let's first take a quick recap of what we had done in the last lesson. Now last lesson में kinetic theory of gases के assumptions पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि अगर कोई gas उन assumptions को काफी हद तक follow करती है तो उसे हम एक ideal gas कहते हैं, और कोई भी gas अगर high temperature and low pressure पे हो तो वो एक ideal gas के काफी close होती है real में, and air को हम एक ideal gas की तरह ही treat करते हैं numerical problems में. Now एक ideal gas हमेशा PV equal to nRT की equation follow करती है, और इस equation को हम ideal gas equation कहते हैं, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, T is temperature in kelvins, और अगर हम सभी कुछ को SI units में put करें तो R एक universal constant आता है, which is 8.31 joule per mole per kelvin, which is same for all gases. Okay, now ideal gas equation को हमने कुछ इस तरह से interpret किया था कि एक gas अगर closed container में हो तो उसमें नंबर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो गई, क्योंकि बाहर से ना गैस आ सकती है ना अंदर से जा सकती है बाहर, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएगा और पीवी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा. नाउ इन द सेकंड केस, अगर क्लोज चेंबर है, मतलब कि एन तो कांस्टेंट है ही मगर वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मतलब उसके जो बाउंड्रीज है वो मूव नहीं कर रहे, तो वी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट और आर तो कांस्टेंट होता ही है. सो पी बिकेम प्रोपोर्शनल टू टी, एंड सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ एग्जाम्पल फॉर दैट वॉज कि एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है जिसका जो पिस्टन है वो इमूवेबल है या फिक्स है, तो पिस्टन भी फिक्स है, सिलेंडर के जो वॉल्स हैं वो तो फिक्स है ही, सो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. ओके, नाउ अगर एक गैस कांस्टेंट प्रेशर के अंडर मूव कर रही है तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, क्योंकि पी एन और आर कांस्टेंट हो गए इस बार. और ऐसे प्रोसेसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि अगर एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली में जो पिस्टन है वो फ्री है मूव करने के और बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो बाहर का प्रेशर हमेशा अंदर के प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से स्लोली मूव करने की वजह से एट एनी टाइम प्रेशर ऑफ गैस विल रिमेन कांस्टेंट. सो सच ए प्रोसेस विल बी गुड एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस. नाउ अगर किसी प्रोसेस में दिया हुआ है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रही है, तो उसका मतलब वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यानी पी वी जो है वो कांस्टेंट हो गया, या हम कह सकते हैं कि पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व few numerical problems based on this ideal gas equation. And the first question is pretty simple actually, कि हमारे पास एक cubical room है जिसकी साइड A है, उसमें एयर पड़ी हुई है, उस वो एयर कुछ टेम्परेचर पे है, प्रेशर 1 atm की है. नाउ उस सारे एयर को एक छोटे से रूम में पंप कर दिया गया जिसकी साइड A by 2 की है. ओके, अगेन क्यूबिकल रूम ही है लेकिन उसकी साइड A by 2 की है, उसमें पंप कर दिया गया सेम टेम्परेचर पे. ओके, तो गैस सारा सेम है और सेम टेम्परेचर पे ही पंप कर दिया गया है, तो हमें बताना है कि उस स्मॉलर रूम में उस गैस की कितनी प्रेशर होगी. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल. ओके, नाउ इन बोथ केसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सारे के सारे एयर को उस नए वाले रूम में पंप कर दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा. सो एन कांस्टेंट, आर हमेशा कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, सो एनआरटी पूरा कांस्टेंट हो गया, कहने का मतलब पीवी कांस्टेंट हो गया, या हम कह सकते हैं कि पी वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई. सो वी अगर 8 गुना बढ़ता तो पी 8 गुना घटता, V दो गुना बढ़ता तो P दो गुना घटता, समथिंग लाइक दैट. नाउ A अगर हाफ हुआ है तो वी नो वॉल्यूम इज A क्यूब, A हाफ होने का मतलब वॉल्यूम जो है 1 बाई 2 का क्यूब यानी 1/8 हो गया, कहने का मतलब वॉल्यूम 8 टाइम्स घट रहा है, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो अगर V 8 टाइम्स घट रहा है मतलब प्रेशर 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो पहले प्रेशर 1 atm था तो अब प्रेशर जो है वो 8 atm हो जाएगा. सो दैट्स योर आंसर. सो इट वॉज प्रीटी सिंपल, राइट. नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, कि अगर हमें एक आइडियल गैस की कभी भी डेंसिटी बतानी हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं. सो ट्रीट दिस एज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओनली. ओके, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो. मान लो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और तुम्हें बोला गया कि यार एक गैस है जिसकी प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, उस गैस की डेंसिटी कितनी होगी. ओके, नाउ वी नो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ गैस. सो हमने लिख दिया उसे. Now, total mass by total volume is density, right? So, total mass by total volume will become PM by RT नीचे आ जाएगा. So, PM by RT means density became PM by RT. तो किसी भी ideal gas की जो density होती है वो उसकी pressure into उसकी molar mass in SI units divided by R into temperature in kelvins होती है. ओके, और यहाँ पे ये भी आप नोट कर सकते हो कि P by rho होगा जो RT by M हो जाएगा, और इसकी application जो है वो sound में आती है, speed of sound निकालने के लिए, कि P by rho को हम RT by M से replace कर देते हैं. So either remember this equation whole or this equation, rho is equal to PM by RT. Okay, now इस पे based एक question कर लेते हैं छोटा सा guys,
कि एक हमारे पास बैलून है जिसमें वन मोल हीलियम भरी पड़ी है और उसकी डेंसिटी रो है ना, उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे वन मोल आर्गन भी उसी के अंदर भर दिया जाता है, तो बताना है कि अब जो मिक्सचर बनेगा वहां पे उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहले डेंसिटी रो थी अब कितनी होगी। ओके सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। नाउ वी नो रो इज पीएम बाय आरटी, तो रो जो है वो पी नए वाले सॉरी शुरू में जो हीलियम था उसका मोलर मास 4 ग्राम, जिसको अगर हमें रियल में वैल्यू निकालनी होती तो 4 × 10⁻³ करते बिकॉज हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। सो रो इज पी इंटू 4 ग्राम बाई आरटी। ओके ना जब हीलियम में आर्गन मिक्स कर दिया गया तो पी तो वही है, टी तो वही है, आर तो पूरी दुनिया के लिए वही है, हमें जो मेनली देखना है वो देखना है कि एम में क्या चेंज आया। एंड हियर वी विल टेक एम ऑफ मिक्सचर, एंड एम ऑफ मिक्सचर क्या होने वाला है, एम ऑफ मिक्सचर होने वाला है N1M1 plus N2M2 divided by N1 plus N2. So 1 into 4 gram plus 1 into 40 gram which is molar mass of argon divided by 1 plus 1, 2. So M of mixture आ जाएगा 22 grams, right? So पहले molar mass 4 gram था, अब 22 gram हो गया। If you will divide 22 gram by 4 gram, you will see कि ratio 5.5 आता है। कहने का मतलब molar mass 5.5 times बढ़ गया। अब P by RT तो पूरा same है, सिर्फ molar mass 5.5 times बढ़ा है, तो जो रो है वो भी 5.5 टाइम्स बढ़ गया होगा। सो द मिक्सचर का जो रो आने वाला है वो पुराने वाले रो का 5.5 टाइम्स ज्यादा होगा। सो दैट इज योर आंसर, 5.5 रो। ओके नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ टू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दोज आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट देन दीज टू वी हैव डन सो फार। ओके सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड बच्चों करना वही है, समझना ये है कि उस पूरे फंडे में या उस पूरे क्वेश्चन में क्या चीज कॉन्स्टेंट रही होगी और हम किस किस चीज के लिए किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, तो करना उसी तरह का स्टफ है, बस एप्लीकेशन थोड़ी वाइड है। ओके नाउ क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बीकर्स थे, दोनों की वॉल्यूम अलग अलग है V1 V2 और उनमें कुछ गैस भरा हुआ था सेम टेम्परेचर पे TNT पे। ओके नाउ दोनों बीकर्स को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया गया था, उस पाइप में एक वाल्व लगी हुई थी जो उसे अभी रोक कर रखी हुई थी, मतलब अभी मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। यहां पे जो गैस थी उसकी प्रेशर P1 थी, वॉल्यूम V1 थी, यहां पे जो गैस थी उसकी प्रेशर P2 थी, वॉल्यूम V2 थी। अब कहा गया अगर मैं इस वाल्व को खोल दूं तो ऑफ कोर्स गैसेस एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और फाइनल प्रेशर जो है वो पूरे दोनों बीकर्स मिलाकर पूरे सिस्टम में कॉमन हो जाएगा, तो हमें वो फाइनल कॉमन प्रेशर निकालना है। ओके सो दैट्स योर क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि अगर हम इस वाल्व को खोल देंगे तो क्या क्या चेंज होगा एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या चेंज नहीं होगा। ओके सो इस बारे में सोचना है कि पहले और बाद में क्या सेम था और जो सेम था उसकी एक्सप्रेशन निकालकर इक्वेट करना है। सो दैट्स योर हिंट। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इन दोनों गैसेस में सिर्फ इस सिलेंडर को देखो तो ये सिलेंडर एक क्लोज्ड वॉल्यूम नहीं है, राइट, क्योंकि उसके अंदर या उसके बाहर वॉल्यूम जा सकती है, मास जा सकता है। ये सिलेंडर भी एक क्लोज वॉल्यूम नहीं है, मगर दोनों को अगर मैं एक साथ लूं तो फिर ये बिल्कुल एक क्लोज बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब दोनों सिलेंडर्स की टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और दोनों सिलेंडर्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सिलेंडर इसे दे सकता है, ये सिलेंडर इसे दे सकता है, मगर वो गैसेस बाहर नहीं जा सकते या बाहर से आ नहीं सकते। सो हमें करना बेसिकली ये है कि अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। व्हाई? बिकॉज अगर हम दोनों सिलेंडर्स को एक साथ देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वही रहने वाले हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट सिलेंडर N1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू PV बाय RT, क्योंकि PV इक्वल टू NRT तो N इज इक्वल टू PV बाय RT। सो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो P1V1 बाय RT हो जाएगा। दूसरे वाले नंबर ऑफ मोल्स होगा वो P2V2 बाय RT हो जाएगा, राइट। नाउ जब वॉल्व को हम ओपन कर देंगे तो गैस कॉमन हो गया फ्यूज होने वाला, राइट, और उस केस में टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगी। नाउ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर दोनों में पहले टेम्परेचर TT था तो अब भी कॉमन टेम्परेचर T ही होगा। द रीजन इज कि जब टेम्परेचर सेम है तो यू हैव रेड इन कैलोरीमेट्री कि टेम्परेचर सेम होने पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता, अगर उनके फेज भी सेम है तो, राइट। तो दोनों गैस ही हैं सेम टेम्परेचर पे तो हीट का ट्रांसफर होना नहीं है, और जब हीट का ट्रांसफर नहीं होना है तो फिर टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आएगा। सो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी सेम। ओके दैट इज टी। नाउ सो वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, टेम्परेचर टी है, मान लेते हैं अब प्रेशर पी हो गया। ओके सो अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वो हो जाएगा अब का प्रेशर पी इंटू अब का टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई RT, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज P1V1 बाई RT प्लस P2V2 बाई RT। सॉल्व किया हमने, RT कट गए एंड P केम आउट टू बी P1V1 प्लस P2V2 बाई V1 प्लस V2। नाउ अगर शुरू में टेम्परेचर्स दोनों के अलग अलग दे दिए होते, हमने T1 और T2 दे दिए होते, तो हमें कैलोरीमेट्री के भी कुछ फंडे लगाने पड़ते। ओके क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती, देन द क्वेश्चन वुड हैव गॉट मच मोर डिफिकल्ट एंड इट्स बियॉन्ड योर नीट सिलेबस और नीट लेवल।
और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस निकालना होगा, जो अब तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. सो इफ यू वांट टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेट फॉर थर्मोडायनेमिक्स एटलीस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं इक्वल साइज के और दोनों को एक थिन स्मॉल पाइप से ज्वाइन कर दिया गया, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ, मगर दोनों कंटेनर्स की साइज इस केस में इक्वल है. दोनों में एक एक मोल के गैस थे अभी पड़े हुए. दोनों का कॉमन टेम्परेचर अभी 300 केल्विन था, मतलब सब कुछ दोनों साइड सेम ही था. अब किया क्या हमने कि उनमें से एक कंटेनर को हमने एक हॉट बाथ में इमर्स कर दिया और उसकी वजह से उसकी टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन हो गई, लेकिन दूसरे गैस की टेम्परेचर ज्यों की तो है, वो 300 की 300 ही है. अब दिया हुआ ये है कि पाइप हमेशा खुली हुई है, मतलब गैसेस आराम से एक दूसरे में मतलब एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के सिलेंडर्स में. तो हमें बताना है कि जब टेम्परेचर एक का चेंज हुआ दूसरे का नहीं हुआ तो दोनों गैसेस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने होंगे, क्योंकि अब वन वन तो नहीं रहेंगे, राइट, चेंज हो जाएंगे, तो कितने कितने होंगे ये बताना है. सो थिंक अबाउट इट गाइज एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ. नाउ शुरू में इसमें प्रेशर पी था तो इसमें भी प्रेशर पी ही था, वॉल्यूम वी था तो इसमें वॉल्यूम वी था, और दोनों में टेम्परेचर भी 300 था. नाउ बाद में प्रेशर चेंज तो हो गया, मगर प्रेशर पहले पी था तो अब चेंज होकर पी डैश हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर दोनों सिलेंडर्स में अलग अलग है, क्योंकि जब तक ये वाल्व खुला हुआ है तब तक दोनों सिलेंडर्स में किसी भी एक टाइम पे प्रेशर सेम ही रहेगा. सो अगर यहाँ पे मैं मान लूँ बाद में कि प्रेशर पी डैश हो गया तो इसमें भी प्रेशर पी डैश ही होगा. ओके, नाउ लेकिन इसका टेम्परेचर अब 400 है, इसका टेम्परेचर 300 है. नाउ पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था बच्चों, 2 मोल. अगेन दोनों सिलेंडर्स को अगर हम एक साथ देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट रहेंगे. तो मान लेते हैं कि इसमें मोल एक्स बचा, तो इसमें 2-x बचा होगा, राइट, बिकॉज टोटल शुड बी 2. तो इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन अलग लगाएंगे, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन अलग लगाएंगे, और दोनों की प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर अलग है, तो हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. तो यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन होगी पी डैश वी, पी डैश इज प्रेशर एट दिस पॉइंट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एक्स इंटू आर इंटू उसका टेम्परेचर 400. दूसरे वाले के लिए इक्वेशन होगी पी डैश वी इज इक्वल टू 2-x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2-x है, इंटू आर इंटू 300. नाउ पी डैश वी दोनों में कॉमन है, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, हमने वो पुट किया, सॉल्व कर दिया, एंड यू गॉट एक्स टू बी 6/7 मोल्स. सो अगर पहले वाले में 6/7 मोल है तो दूसरे में 2-6/7 यानी 8/7 मोल्स होगा. सो दैट्स योर आंसर. ओके, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जहां भी डिफिकल्ट होंगे वहां पे आपको ये देखना है कि अगर क्लोज बाउंड्री सिस्टम आपको मिल रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट होगा. तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स की एक्सप्रेशन निकालनी है, बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल्स की एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल जो पूछा गया है हमसे उसी के टर्म में निकाल लो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द अननोन वेरिएबल है. नाउ सो दैट वॉज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिराइव प्रेशर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन माइक्रो लेवल, और उसके बाद हम फिर मैक्सवेल बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, आरएमएस स्पीड वगैरह के बारे में देखेंगे. सो नेक्स्ट लेसन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इफ व्यूज इंक्रीज इट इनकरेजेज मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस. सो दिस वन क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट फॉर यू, सो रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, और अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फील होती है देन comment on the comment section and I will help you out. So thanks for watching the video and I hope you enjoyed it.